और चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम सैनी की। आज वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज नामांकन दाखिल करना है उन्हें और उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कल भी आपने तस्वीरें देखी थी जब वो पार्टी के ही कुछ नेताओं के नामांकन कराने के दौरान मौजूद रहे और अब ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। लाडवा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने वाले हैं नायब सिंह सैनी और उससे पहले ये कुरुक्षेत्र की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव और आज सीएम नायब सिंह सैनी सहित 21 बीजेपी के नेता हैं जो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। चूंकि आज अगर बात की जाए तो नामांकन के लिए आज पांचवा दिन है। कांग्रेस बीजेपी सहित अन्य दलों के जो उम्मीदवार हैं अपना नामांकन दाखिल करने में जुटे हुए हैं और आज सीएम सैनी भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। अभी तक उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया है और आज वो यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। उनके अलावा पार्टी के 20 और उम्मीदवार हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे। तस्वीरें नामांकन दाखिल करने से पहले हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सीएम सैनी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं लाडवा से चुनावी मैदान में और आज पर्चा भरने वाले हैं। उससे पहले जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनके बीच जाकर वो अब से कुछ देर बाद संवाद भी करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, आज सीएम नायब सिंह सैनी नामांकन दाखिल करने वाले हैं ये भी बताया जा रहा है, उनके अलावा 20 और उम्मीदवार हैं जो पर्चा दाखिल करेंगे, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, नायब सिंह सैनी अब आ चुके हैं, उन्होंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। अभी कुछ ही देर में वो हवन करेंगे। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अंदर एक प्रथा होती है कि जब भी कोई नया शुभ काम करते हैं तो पहले गणेश पूजन करने के बाद हवन किया जाता है। अभी गणेश पूजन के बाद नायब सिंह सैनी हवन करेंगे। हवन करने के बाद रोड शो के रूप में जाकर वो एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ पूरे हरियाणा में आज 21 बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यहां से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैप्टन अभिमन्यु का जो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं उनका नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए नारनौंद जाएंगे। यहाँ जब नायब सिंह सैनी आज नामांकन दाखिल करेंगे, पार्टी के कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं थानेश्वर? देखिए, अभी तक तो नवीन जिंदल के आने की संभावना है क्योंकि आज 21 लोगों के नामांकन पत्र है, तो जितने भी बड़े सीनियर नेता है सबको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। कोई किसी का नामांकन करा रहा है तो कोई किसी का नामांकन करा रहा है। क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, अपने आप में एक शख्सियत है, तो नायब सिंह सैनी के जो नामांकन पत्र है इस समय तक अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं आया है। वही बीजेपी के लोकल नेता है और प्रदेश स्तर के नेता उसमें शामिल। थानेश्वर, बताया जा रहा है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रह सकते हैं जब सीएम यहाँ पर्चा दाखिल करेंगे। देखिए, अभी हवन चल रहा है, हवन शुरू होने वाला है। हवन शुरू होने के बाद जब पर्चा दाखिल करने के लिए जाएंगे तब उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आ सकते हैं, क्योंकि मनोहर लाल और नायब सैनी में गुरु चेले का रिश्ता रहता है और हमेशा नायब सैनी कहते हैं कि मनोहर लाल मेरे गुरु हैं। अब चेला अगर नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहा है तो गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, तो ऐसे में उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि मनोहर लाल जरूर आएंगे नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी जानकारी साझा करें, हालांकि तस्वीरें हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं परिवार के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हुए नायब सिंह सैनी। और हमेशा से ऐसे होते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, आप जानते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद बहुत जरूरी हो जाता है, तो ठीक वैसे ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं नायब सिंह सैनी की, आज नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद पर्चा दाखिल करने के लिए वो पहुंचेंगे और उस दौरान हो सकता है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद भी रह सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। हालांकि नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री सैनी को लेकर खबर ये भी है कि आज ही चूंकि कैप्टन अभिमन्यु भी नामांकन दाखिल करेंगे तो वहाँ पर भी
सीएम सैनी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो पर्चा भरेंगे। कुल मिलाकर 21 ऐसे पार्टी के उम्मीदवार हैं सीएम सहित जो आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं लाडवा से चुनावी मैदान में और आज पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पहले की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हवन करते हुए सीएम सैनी की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले यह भी बताया जा रहा है कि अब इसके बाद कुछ कार्यकर्ता युवा के बीच जाएंगे जहां पर वो सीधा संवाद भी कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं और उसके बाद ही पर्चा दाखिल करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, सीएम नायब सिंह सैनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वो आज नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा अर्चना करते हुए कुरुक्षेत्र से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने परिवार के साथ यहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं।